धार जिले के नालछा समीपस्थ गांव सोड़पुर में 1 अप्रैल को एक ही परिवार के 4 मकान जलकर खाक हो चुके थे। यह परिवार उसी समय से प्रशासन से आर्थिक उम्मीद लगाए बैठा था, जिसके कुछ दिन बाद ही क्षेत्रीय विधायक पांचीलाल मीणा द्वारा अचानक सोड़पुर पहुंचकर परिवार को 5,000 की आर्थिक मदद देने के बाद शेष एवं तीनों भाइयों को भी 5,000 देने का आश्वासन देकर चले गए थे। परिवार के बड़े भाई महादेव द्वारा लगातार विधायक को फ़ोन लगाया गया, लेकिन व्यस्तता के कारण विधायक ने फ़ोन नहीं उठाया और कोरोना वायरस के कारण इस परिवार को अपने घर पर ही रहने की नसीहत देते हुए और आग लगने से पूरी फसल, अनाज, लड़की की शादी के लिए खरीदी गई चांदी सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। भोजन के लिए अनाज गाँव के सरपंच द्वारा कविता शेर सिंह ठाकुर द्वारा उपलब्ध करवाया गया। हमारे नालचा के संवाददाता विनीत राजपूत और अशोक राज कुमरावत ने दरिया दिली दिखाते हुए 8 दिन का राशन भी इस परिवार को उपलब्ध करवाया था। इसके बाद भी जिम्मेदार ने ध्यान नहीं दिया। यह परिवार आर्थिक मदद के लिए रोज तहसील कार्यालय और बैंक में राशि डालने के चक्कर में लगातार है। नालछा अध्यक्ष लालजी डावर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, उन्हें गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया। साथ ही लोगों को बोला गया कि जो भी हो मैं आपके साथ हमेशा आर्थिक सहायता करता रहूँगा। उनके साथ में नालछा मंडल अध्यक्ष मनोज पटेल, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राहुल राठौड़, बंसी जाट, अशोक जाट उपस्थित थे। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। मेरे को मीडिया के द्वारा यहाँ पे जानकारी मिली थी कि भाई नालछा ग्राम पंचायत सोड़पुर के अंतर्गत 4 मकान आग से क्षतिग्रस्त हो गए थे, तो वहाँ पे जाके हमारे भारतीय जनता पार्टी यहाँ के सोड़पुर के सरपंच साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष सभी ने आके यहाँ पे निरीक्षण किया और जो भी शासन स्तर से सहयोग हुआ उसके लिए हमने तहसीलदार महोदय, जनपद सीओ, जिला पंचायत सीओ से मांग करी भाई इस गरीब परिवार को अधिक से अधिक राशि मुहैया करा जाए और जो भी शासन स्तर से जो प्रधानमंत्री आवास है उसका भी इनको फायदा दिया जाए, ऐसा हमने जो यहाँ मुग्धल जी करके संबंधित अधिकारी उनसे भी जानकारी ली। उन्होंने भी कहा कि हम जैसा भी होगा जैसे भी कार्य उचित कार्य करके उनको प्रधानमंत्री आवास दिलवाने की कोशिश करेंगे और हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पे इस परिवार को भोजन बनाने के लिए दिक्कत हो रही थी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि प्रत्येक परिवार को गैस चूल्हा मिले और उससे माता बहनों को जो भोजन बनाने में चूल्हे में तकलीफ होती रही थी वो तकलीफ नहीं हो, इसलिए हमने सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पे गैस टंकी, चूल्हा और कुछ अनाज भेंट किया है। सभी हम यही आशा करते हैं कि जो इस परिवार में आज दुख की घड़ी आई है वो सभी कार्यकर्ता मिलकर इनका आगामी समय में भी सहयोग करेंगे और जो इनकी बालिका की शादी का जो उन्होंने सपना देखा था वो कहीं ना कहीं आग लगने से इनका सपना चूर हो गया है, तो जब भी ये शादी करेंगे हम मध्य प्रदेश सरकार की जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है उसमें शासन से फ़ायदा दिलाने की कोशिश करेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी से जो भी सहयोग होगा वो भी करेंगे और मैं जनपद अध्यक्ष मैं इनके यहाँ जब भी शादी रहेगी मेरी तरफ से मैं 5100 रुपये लड़की को कन्यादान देने के लिए बिल्कुल घोषणा करता हूँ। जब भी शादी रहेगी मेरे को अवगत कराएंगे तो मैं 5100 रुपये मेरी तरफ से इनके सप्रेम भेंट देता हूँ। जय हिंद, जय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।